वोटिंग का जो अमल है वो खत्म हो चुका है और अब गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आने में थोड़ी सी ताखीर है, लेकिन उससे पहले हमारे रहमत भाई, रहमत भाई क्या लगता है आपको? ये भाई यहाँ पर पर्चियाँ बन रही हैं हमारी, हजरात को उम्मीद करता हूँ भाई सब खैर खैरियत से होंगे। वोट का दिन था, वोट डाल के आ चुके हैं, बहुत तादाद थी अवाम की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ासतौर पे लेडीज़ इस दफ़ा बहुत 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 ज़्यादा निकली हैं वोट डालने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आपको पता है कि वोट सबने डालना है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज जो हमने वोट डालने से पहले सोचना था, या मैं तो डाल चुका हूँ, तो हमने तो भाई ये सोचा कि हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म जो हो वो अपने ही मुल्क में रहे, उसका सारा सरमाया हमारे मुल्क में हो, जो गरीबों का हो और कोई भी बीमारी हो तो उसका कम से कम इलाज अपने मुल्क में हो, तो ऐसे वज़ीर आज़म को हमने देखना। मैं ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा भाई, हमने वोट डाल दिया है और उम्मीद करते हैं रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। वोटिंग रिज़ल्ट्स का इंतज़ार होगा, शायद काफ़ी लंबा टाइम लगे, लेकिन वहाँ पर लेके जाते हैं और आपको वहाँ पर दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है और वहाँ पर जो लोग हैं उनका क्या रद्द अमल है। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, जिंदाबाद। अली भाई वोट पर आए हो? आ माशाल्लाह। ये भाई यहाँ पर पर्चियाँ बन रही हैं हमारी, और ये स्पेशली पीटीआई का जो है टोपी लेके घूम रहे हैं ताकि इनको सबसे पहले उठाया जाए। एविडेंस के साथ, एविडेंस के साथ। वोटिंग का जो अमल है वो ख़त्म हो चुका है और अब गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आने में थोड़ी सी ताखीर है, लेकिन उससे पहले हमारे रहमत भाई, रहमत भाई क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ से जीतेगी? मगिया से स्पेशली, मगिया से पीटीआई का जो है। थोड़ा जोर से आवाज़ नहीं आ रही भाई, यार कैदी नंबर 804 सजाद भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह कैदी नंबर 804 अली भाई, लिस्ट के नाम लेने पर पाबंदी, लिस्ट के नाम लेने पाबंदी अली भाई, 804 अजमी भाई, अजमी भाई, अजमत भाई कुछ कह नहीं सकते, और जो क्रिटिकल सिचुएशन है ओहो कोई पता नहीं, पीटीआई जीत जाएगी। तो भाई यहाँ पर आप रश देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सारे गैर आदमी और गैर सरकारी, अगर जो मोर है ना वो पकड़ी जाए ना तो पक्का पता है पीटीआई जीतेगा। ओके तो भाई ये आपने यहाँ के जवान जवानों के जवान नस्ल के ख्यालात और इजहार सुन लिए, जवानों के हौसलों को दाद देनी पड़ेगी।